जय श्रीमान गौरांग महाप्रभु की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री राधा मदन गोपाल ललिता विशाखा देवी की जय। श्री राधा मदन गोपाल भक्त वृंद की जय। श्री निताय गौर सुंदर की जय। शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। अवतार सार गौरावतार किन न भजिलितार करी निरे वास गेलना पियास आपन करम फेरे अवतार सार गौरावतार केन न भजिलितार निरेवास गेलन पियास करी निरेवास गेलन पियास अपन करम पे हे अपन करम पे हे अवतार सार गौरावतार केन भजिलितार संत के रतारु से भाई से विलमा संत के रतारु सदाई से विलमान अमृत पाई वर अमृत पाई वर प्रेम कल्पतर श्री गौरंग प्रेम कल्पतर श्री गौरंग हर भाग निदीश का
गौरव तारो जिना नाम लीलिता और अभिराज पलाश सुंदी सौरभिराश पलाश सुंदी नाचा के पशिल नाचा के पशिल दंड भावी पाठ चुकी दंड भावी पाठ चुकी मन मन तेरे अवतार हर बलिया गलाए परिले हर बलिया गलाए परिले शमन की शीतल बलिया आगुन पोहाली शीतल बलिया आगुन पोहाली पाइले गजर पाइले गजर तेरे अवतार संसार भूलली श्री गौरंग भूलली संसार भजली श्री गौरंग भूलली नासी सुर नासी सुर पर काल दुकाल कोयाली पर काल दुकाल कोयाली
अवतार स्वामी गौर अवतार दुनिया की हे परि निर्वास गेला न निर्वास गेला न आपन अवतार अवतार दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमार सब जोर से गाइए दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमार हे नाच रे अमार मां नाच रे अमार मां नाच रे अमार मां नाच रे अमार मां दयालुताय चैतन्य बोले अमार दयालुताय चैतन्य बोले अमार नाच रे अमार नाच रे अमार बोलो नाच रे अमार नाच रे अमार दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमार दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमार दयाल तो नहीं है दयाल तो नहीं है मार फेंकेंगे दयाल तो नहीं है हे मार फेंकेंगे दयाल तो नहीं है ओरे अपराध करे तब तब ओरे अपराध करे जब तब दयाल निताय चैतन्य बोले रामा
নাচে আমার মন, নাচে আমার মন, নাচে আমার মন, নাচে আমার মন, দয়ালিতায় চৈতন্য বলে নাচে আমার মন, দয়াল তাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মন, বিচার তো নাই হে, বিচার তো নাই হে, ও নামে অপরাধ বিচার তো নাই হে, ও নামে অপরাধ বিচার তো নাই হে, তখন কৃষ্ণ নামে উঁচু হবে বুঝিবে কন্যা, তখন কৃষ্ণ নাম রুচি হবে বুঝিবে বন্ধা, দয়ালিতায় চৈতন্য বলে নাচে আমার মন, হে নাচরে আমার মন, নাচরে আমার মন, নাচরে আমার মন, নাচরে আমার মন, দয়াল তাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন, অনুরাগ তো হবে হে, অনুরাগ তো হবে হে, কৃষ্ণ নামে অনুরাগ তো হবে হে, হে কৃষ্ণ নামে অনুরাগ তো হবে হে, সপন নায়ক সফল হবে রঘুবর, তখন নায়ক সফল হবে রঘুবর, দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচে আমার মন, হে নাচরে আমার মন, নাচরে আমার মন, নাচরে আমার মন, নাচরে আমার মন, দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে আমার মন, জীবন তো মিছে হে, জীবন তো মিছে হে, কৃষ্ণ রতি বিনা জীবন তো মিছে রে, হে কৃষ্ণ রতি বিনা জীবন তো মিছে রে, শেষে বৃন্দাবনে রাধা শ্যামে পাব দরজা, শেষে বৃন্দাবনে রাধা শ্যামে পাব দরজা, গৌর কৃপা হলে হে, গৌর কৃপা হলে হে, গৌর কৃপা হলে, গৌর কৃপা হলে, গৌর কৃপা হলে, নিতাই গৌর কৃপা হলে, নিতাই গৌর কৃপা হলে, গৌর কৃপা হলে,
और कृपा बोले है जयानिताय बेगन्य बोले दयालिताय बेगन्य बोले हे नात्रिया मार्मा नात्रिया मार्मा हे नात्रिया मार्मा नात्रिया मार्मा दयालिताय बेगन्य बोले जयालिताय चैतन्य बोले जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलो निताय गौर सुंदर की जय श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदी जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओम ज्ञान तिमिरांदस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता
श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधुर जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कृपया करके अपना मोबाइल फोन साइलेंट या स्विच ऑफ कर दे और जिन भक्तों के साथ या जिन माताओं के साथ छोटे बच्चे हैं उन्हें कृपा करके टेंपल हॉल के बाहर ले जाएं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस वर्ष के गौर पूर्णिमा महामहोत्सव में। मुझे एक मैसेज आया था जब मैं लंदन में था तो भक्त ने मैसेज किया कि प्रभु जी अब तो विंग कमांडर अभिनंदन भी आ गए वापस। पाकिस्तान ने उनको भी वापस भारत भेज दिया। आप कब आ रहे हैं? तो हमने कहा कि यदि इस्कॉन में नहीं होते तो हम भी दुश्मन देश के अंदर घुसकर कुछ कर रहे होते। तो पाकिस्तान न सही, इंग्लैंड ही सही। उग्रवादी सब जगह है, आतंकी हमले सब जगह करने हैं हमें। हमारे कृष्ण कॉन्शियस कृष्ण भावना भावित तरीके से, तो हमने कहा कि अभी बहुत से उनके आतंकी कैंप बाकी हैं जिनके ऊपर हमला करना है। और जैसे कोई योद्धा होता है, सैनिक होता है, जब उसके गोला बारूद खत्म हो जाते हैं तब वो फिर से बेस कैंप पर आता है उस गोला बारूद को फिर से इकट्ठा करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि वहाँ पर गोला बारूद खत्म हो गया था। और क्योंकि इस समय काफी समय तक लड़ रहे थे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जितना हम रहते हैं तो क्या इकट्ठा करते हैं, एम्यूनिशन और ये सारे गोला बारूद इकट्ठा करते हैं ताकि फिर दुश्मन देश में जाकर हम घुसकर हमला करें। तो आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की शुभकामनाएं हैं कि प्रभुपाद की सेवा में इस आंदोलन में हम लगे हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये जो गौर कृपा है इसे बांटते रहें। और यही आदेश श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरेक भारतवासी को दिया। तो फिर समय आ गया है गौर पूर्णिमा का, इस वर्ष की गौर पूर्णिमा। और आज का जो हमारा बुधवार का कार्यक्रम है हमने समर्पित किया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव को किस भावना में
हम मनाएं, क्या हमारी चेतना होनी चाहिए। इनके विषय में जितना कहें उतना कम, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जैसे महावदन्याय अवतार न हुए न होंगे। देखिए भगवान के जो विविध अवतार हैं, आपने यदि गौर किया होगा तो भगवान के हरेक अवतार किसी एक विशेष रूप में आए और एक बहुत ही विशेष उद्देश्य को सिद्ध किया उन्होंने। जैसे मान लीजिए मत्स्य अवतार, तो उस मत्स्य के रूप में, उस मछली के रूप में और विशाल मछली के रूप में आए और उस अवतार में उनका जो उद्देश्य था वेदों को फिर से ढूंढ कर लाना, उनकी रक्षा करना, तो उस रूप में। वराहदेव के रूप में आए तो एक बहुत स्पेसिफिक उनका उद्देश्य था, पृथ्वी को उबारना, जो गर्भोदक सागर के नीचे गिर चुकी थी वहां से पृथ्वी को ऊपर लाना, तो उस प्रकार के कार्य एक वाराह जैसा जानवर कर सकता है, तो वो रूप लिया उन्होंने। नरसिंह भगवान का रूप, क्योंकि हिरण्यकश्यपु जैसे खूंखार आतंकवादी को मारना था इसलिए उस प्रकार का रूप लिया, बहुत ही स्पेसिफिक उस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए। हाल ही में हमारे दक्षिण भारत की यात्रा में भी हमने इसकी चर्चा की थी कि नरसिंह अवतार में भी अलग अलग रूप हैं उनके। एक दफा भगवान नरसिंह देव वो मार्जर के रूप में अवतरित हुए, मार्जर अर्थात बिल्ली के रूप में, क्योंकि दैत्य वो चूहे के रूप में था, दैत्य का नाम था मुषिक दैत्य, मुषिक अर्थात चूहा, तो क्योंकि दैत्य वो चूहे के रूप में था तो बहुत करस्पॉन्डिंग अवतार भगवान लेते हैं। तो हम देखते हैं टॉम एंड जेरी, तो चूहे के पीछे बिल्ली, चूहे को पकड़ने के लिए बिल्ली। कलयुग में दूसरे भी चीजें देखी जाती है कि बहुत सी बिल्लियां ऐसे बड़े बड़े चूहों से डरती है, क्योंकि वो कलयुग नहीं था जब उन्होंने अवतार लिया था। कलयुग में बहुत कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, तो कलयुग पर आएंगे हम। तो नरसिंह भगवान भी अलग अलग रूपों में, वो स्पेसिफिक उद्देश्य सिद्ध करने के लिए। तो मुझे जब ये प्रश्न किसी ने पूछा कुछ वर्ष पहले कि ये इतने वैरायटी भगवान के अवतार में क्यों है, तो मैं उसके विषय में सोच रहा था कि जैसे कोई किसी उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए इस संसार में कोई इंसान अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनता है ना, जैसे कोई एस्ट्रोनॉट है जो अंतरिक्ष में जाते हैं, तो अंतरिक्ष में जाने का कॉस्ट्यूम अलग होता है। अब कोई एस्ट्रोनॉट का कॉस्ट्यूम पहन के किसी की शादी में तो जाएगा नहीं, कि शादी में कोई अंतरिक्ष में नहीं जा रहा है वो, तो वहां का उसका कॉस्ट्यूम अलग होगा, उस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए उसका कॉस्ट्यूम अलग होगा। आपने अगर देखा होगा ये अग्निशमन दल वाले जो होते हैं, फायर ब्रिगेड वाले, धधकती अग्नि उसको, उसका शमन करने के लिए उनका वो फायर कॉस्ट्यूम अलग होता है। कोई स्विमिंग करने जा रहा है उसका कॉस्ट्यूम अलग है। अब मान लो कि अग्निशमन दल वाला फायर बुझाने के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम में गया, तो आप देखो अलग अलग उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए संसार में लोग, उसको अगर हम कहें अवतार लेते ना, स्विमिंग का अवतार, अग्निशमन दल का अवतार, किसी एस्ट्रोनॉट का अवतार, तो उसी प्रकार से क्या सिद्ध करना है। अब कलयुग पर आते हैं। अब यदि भगवान को कलयुग में अवतार लेना है तो सबसे पहले भगवान क्या देखते हैं कि ये कलयुग है क्या,
प्रायण अल्प आयुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य युपद्रता, सब कुछ यहां पर क्या है, मंदा, सब मंदे में है। अभी जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति कहे कि भाई हम बहुत नाकारा हैं, बेचारा हैं, हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, तो ढूंढने जाएंगे ना कि ठीक है कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं डिप्रेशन के केसेस, तो वो लोग पूछते हैं कि भाई कौन सी ऐसी चीज तुम्हें अच्छी लगती है करना। ये विदेशों में सुइसाइड हेल्पलाइंस होती है। ये सुइसाइड हेल्पलाइंस क्या है कि वहां पर बहुत आत्महत्या लोग करते रहते हैं क्योंकि इतने डिप्रेशन में रहते हैं। इसलिए कई जो अमेरिका जैसे देश हैं वहां पर छोटे बच्चों से ज्यादा कुत्तों की संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो लोग कुत्तों से ज्यादा आदान प्रदान अच्छा उनका अनुभव हुआ है। कई ऐसे वहां के पार्क हैं, हमने एक बार देखा था एक बड़ा और सेंट्रल पार्क के अंदर एक भी बच्चा नहीं, कुत्ते ज्यादा है, लोग कुत्तों को लेके घूम रहे। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन की वजह से, वो डिप्रेशन को दूर करने के लिए कोई आदान प्रदान चाहिए। तो यदि किसी का जीवन वैसा है, सब कुछ मंद है, सब कुछ रिसेशन पर है, कोई कहे कि भाई कम से कम बुद्धि होगी तो बुद्धि के बलबूते पर हम कुछ कर लेंगे, तो कलयुग में बुद्धि भी मंद है। कोई कहे कि आयु अगर थोड़ी ज्यादा मिल जाए तो कुछ बुद्धि को विकसित कर कर, या आयु ज्यादा है, समय ज्यादा है तो हम कुछ हासिल कर लेंगे, वो भी मंद। हमारा स्वास्थ्य मंद, बुद्धि मंद, स्मृति मंद, स्वास्थ्य सब कुछ मंद है हमारा, और उसके ऊपर भाग्य भी मंद। यदि कोई केवल भाग्य के ऊपर निर्भर रहे तो वो भी मंद। तो जब भगवान देखते हैं कि ये कलयुग की स्थिति ऐसी है कि सब कुछ रिसेशन पर जा रहा है, जैसे कोई भिखारी को यदि कोई देखता है तो भिखारी, यदि कोई कहे कि कोई काबिल भिखारी कौन है, अगर ये वर्ड यूज किया जाए, काबिल भिखारी कौन है जो अपने आप को इतना बेचारा प्रस्तुत करे कि उस दानी के अलावा उसके जीवन में कोई उद्धार की संभावना नहीं, तो इस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करेगा। तो एक भिखारी, उसे यदि अपने जीवन को सुधारना है तो उसे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उससे ज्यादा अमीर हो, एक तो उससे ज्यादा अमीर हो और उसके साथ साथ उसके अंदर दया हो। क्योंकि कोई अगर अमीर भी है लेकिन दया नहीं है तो भिखारी के कुछ काम का नहीं, और यदि बहुत दयावान है लेकिन फूटी कौड़ी नहीं है, वो भी उसके साथ कटोरा लेके बैठा है। एक बार हमारे साथ हुआ था बुक डिस्ट्रीब्यूशन मुंबई में दिसंबर के महीने में, मलाड रेलवे स्टेशन, वहां पर हम लोग वैन लेकर गए, स्टेशन पूरा खचाखच भरा था, कहीं जगह नहीं थी, तो हमको डिवोटी ने कहा कि देखो आसपास और कोई जगह मिलती है, तो एक हनुमान जी का मंदिर, तो हनुमान जी के मंदिर में मैं गया देखने के लिए, तो भीड़ बहुत थी लेकिन एक कोने में एक भिखारी वो कटोरा लेके बैठा हुआ था और उसके बगल में जगह थी टेबल लगाने की। शनिवार का दिन था तो भीड़ भी थी, तो फिर मैंने देखा और तो कोई यहां पर व्यवस्थापक दिख नहीं रहे, भिखारी है, तो मैंने उसको पूछा कि भाई ये जगह खाली है, तो उसने देखा मुझे ऊपर से लेके नीचे। बैठ जाइए, खाली है। तो कोई यदि दयावान है लेकिन पैसे ही नहीं है तो भिखारी के कुछ काम। तो भिखारी को क्या चाहिए, उसके अंदर क्या, दोनों चीजें होनी चाहिए,
वो अमीर भी और उसके साथ वो दयावान भी होना चाहिए। हमारे इस्कॉन के वैशेषिका प्रभु हैं, तो एक अमेरिका में रथ यात्रा, अमेरिका की एक रथ यात्रा में क्वेश्चन आंसर्स बूथ में वैशेषिका प्रभु बैठे हुए थे। तो एक नया व्यक्ति, उन्होंने इनको पूछा कि ये हरे कृष्ण का मतलब क्या है, तो बहुत सुंदर उत्तर दिया उन्होंने, हरे कृष्णा मीन्स आई नीड हेल्प, हरे कृष्णा मीन्स मुझे मदद की जरूरत है। तो जब हम जप करते हैं महामंत्र का, तो महामंत्र का जप, उसका एक और अर्थ क्या हो सकता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम हमारी झोली लेकर, जैसे भिखारी की झोली होती है, हम हमारी माला झोली लेकर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इनके सामने ये महामंत्र बोलते हुए क्या कह रहे हैं, मुझे मदद की जरूरत है, आई नीड हेल्प। इसलिए जब इस कलयुग में हम सब हर दृष्टिकोण से, जैसे हमने सुना, आयु स्वास्थ्य बुद्धि स्मृति भाग्य हर दृष्टिकोण से हम रिसेशन में हैं, हमारी वो मंद चल रहा है सब कुछ, तो उस हमारी भिकमंगा स्थिति के लिए भगवान अवतार लेते हैं, नमो महावदन्याय। इसलिए उनको ये जो टाइटल मिला है महाप्रभु, कभी आपने गौर किया, ये टाइटल जो उनको मिला, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु का अर्थ क्या है, यदि हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में जो सुने हैं या और जानना चाहें, तो चैतन्य महाप्रभु है क्यों, राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा और कृष्ण अर्थात वो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने राधा रानी का भाव, और कौन सा भाव लिया है, महाभाव। तो महाप्रभु का अर्थ हुआ, इसमें महा कौन है, श्रीमती राधा रानी का महाभाव, और प्रभु कौन है, साक्षात श्री कृष्ण चंद्र, षडैश्वर्य पूर्ण प्रभु श्री कृष्ण चंद्र, जो कि राधा रानी का महाभाव लेकर जब आते हैं तो बनते हैं महाप्रभु। तो इसलिए जब हम इस कलयुग में आध्यात्मिक रूप से भिखारी हैं, तो इसलिए हमें दोनों चाहिए। राधा रानी कौन है, वो दयामयी, उनके अंदर वो जो दया है, तो चैतन्य महाप्रभु के अंदर वो जो दया, दयावान अवतार, वो जो कहा गया है उनको सबसे दयावान, वो राधा रानी का भाव है, वो राधा रानी की करुणा है, और उसके साथ हमारा उद्धार करने की क्षमता, अमीरी जो उनके अंदर है, वो प्रभु श्री कृष्ण। तो इसलिए आज हम हमारी चेतना को उस भाव में कि कैसे हम श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को समझें और अपने आप को योग्य बनाएं, ताकि महाप्रभु की ये महान कृपा के हम कृपा पात्र बन सकें। क्योंकि इस कलयुग में देखिए, हम अधिकांश भगवान को छोड़कर हर एक जगह पर अपनी संतुष्टि को ढूंढ रहे हैं, चाहे वो धन में हो, चाहे वो सुख सुविधाएं में हो, चाहे वो इस भौतिक संसार के रिश्ते नातों में हो। परंतु होता क्या है, जितना हम प्रयास करते हैं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को परिपूर्ण करने के लिए, उतना ज्यादा हम धोखा खाते हैं। अभी जब मैं प्लेन में था, तो वहां पर मैंने देखा एक छोटा बच्चा, उसे ये पोटैटो वेफर्स खाने थे,
तो वो लोग बांटते हैं पैसेंजर को, स्नैक्स बांटते हैं। तो ये बहुत आशा से इसको वो प्लेन के पोटैटो वेफर्स खाने थे वो लोग जो देने वाले थे। तो इसने मांगा, बोला बड़ा वाला पैकेट चाहिए। तो वो एयर होस्टेस ने इसको बड़ा वाला पैकेट, अब हमने सबने देखे होंगे ये जो पोटैटो वेफर फूले हुए रहते हैं, तो इतना बड़ा पैकेट फूला हुआ। और ये मैं उसको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, इतना वो खुश हुआ, फाइनली उसको वो बड़ा पोटैटो का वेफर का पैकेट मिला है। और उसने जब उसका साइज देखा और वो इतना फूला हुआ देखा, तो उसकी आंखें एकदम चमचमा गई। परंतु जैसे ही उसने वो पैकेट खोला, जब सारी हवा गई, तो उसमें गिने चुने कुछ 7 से 8 केवल वो चिप्स थे। पैकेट इतना बड़ा लेकिन अंदर 7 से 8 चिप्स। तो उसने खोला, ढूंढा, पूरा इतना हाथ अंदर गया, फिर जाके एक निकला बाहर। और वो अपने मम्मी को कह रहा है, मम्मी इतने से। तो मैं सोच रहा था यही कलयुग है, गेट यूज्ड टू दिस। कलयुग क्या है कि ये पोटैटो वेफर का पैकेट है, कि दर्शन बहुत बड़े होंगे, दर्शन आपको बहुत बड़े दिखाए जाएंगे, लेकिन फिर फाइनली जब फाइनल प्रोडक्ट आता है तो उसमें सब कुछ खोटा सिक्का। तो हम लोग बहुत उत्सुकता से वो वेफर का पैकेट खरीदते हैं, वो लेते हैं, देखते हैं, चारों ओर से देखते हैं कितना फूला हुआ है, इतना मोटा ताजा है। होता क्या है कि पैकेट वो मोटा ताजा होता है जब हवा निकल जाती है, उसको जो खाते हैं फिर वो फूल जाते पैकेट की तरह। तो इसलिए जब कलयुग में हमारी स्थिति, वो दिन प्रतिदिन हम गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। एक तो माहौल इस प्रकार का है और उसके ऊपर हम और पतित होते जा रहे हैं। तो इसलिए पतित पावन अवतार को आना होगा, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो जब मैं पढ़ रहा था चैतन्य चरितामृत आज, तो महाप्रभु के अवतरण से पहले आदि लीला में 13वें अध्याय में, कि जो नवद्वीप वासी वो चैतन्य महाप्रभु के आगमन की तैयारी किस प्रकार से कर रहे थे। आज का कौन सा दिन है इसको कहेंगे द ईव ऑफ गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा की तैयारी हम लोग आज कर रहे हैं। तो नवद्वीपवासी कैसे तैयारी कर रहे थे, तो कुछ श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि सारे नवद्वीपवासी, विशेष रूप से जो चैतन्य महाप्रभु के अवतरण की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो लोग अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर, अद्वैताचार्य के घर पर जाकर वो लोग चिंतन किया करते थे। और जिसको अंग्रेजी में कहेंगे एब्जॉर्प्शन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रभुर आविर्भाव पूर्वे यत वैष्णवगण अद्वैत आचार्य स्थाने करे नगमन। सारे वैष्णव वो अद्वैताचार्य, क्योंकि अद्वैताचार्य वो सबसे सीनियर, और वो रोज चैतन्य महाप्रभु के आगमन से पहले रोज, जैसे कि आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, उसी प्रकार से अद्वैत भवन में सारे वैष्णव एकत्रित होकर वो लोग क्या करते थे, नाम संकीर्तन, नाम चिंतन और कृष्ण कथा, कृष्ण पूजा। तो इसलिए आज हम इसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे कि ये जो उन्होंने किया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत कुछ श्लोकों में इनको बताए हैं, लेकिन ये गौर करने लायक बात है कि कुछ वैष्णव
अद्वैत आचार्य के घर पर रोज आकर जो उन्होंने शुद्ध तरीके से भगवान का चिंतन स्मरण कीर्तन जो किया कि उसकी शक्ति इतनी थी कि भगवान का ऐसा साक्षात रूप जो कि कलयुग में भगवान के ऐसे रूप का दर्शन करने के लिए देवतागण वो लोग सब लाइन में खड़े हुए, इसलिए कलयुग की पूजा हो रही है केवल महाप्रभु चैतन्य उनके अवतार के वजह से, और उनको ये भक्तों ने अपने चिंतन स्मरण और कीर्तन से आकृष्ट किया। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यदि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृष्ण चिंतन की बात कर रहे हैं, अच्छा ये जो शब्द है चिंतन, इसके साथ हिंदी का एक और शब्द है चिंता। चिंता और चिंतन ये दोनों ये कहां से आते हैं? चित्त से आते हैं। तो अब देखो कलयुग में चिंतन करना हमें बहुत कठिन लगता है, जब कहा जाए कि भाई भगवान का चिंतन कीजिए तो बहुत लोग हैं भाई चिंतन मन नहीं लगता। सबसे पहला प्रश्न क्या होता है? चिंतन करने के लिए मन लगाना है, एब्सॉर्प्शन मतलब आपको उसमें एकाग्रचित होना है, मन नहीं लगता। तो यदि यह पूछा जाए कि क्या चिंता करना कभी कोई छोड़ा है, विशेष रूप से कलयुग में हम लोग सब कम ज्यादा रूप में किसी न किसी प्रकार की चिंता में हर क्षण रहते हैं। अभी हम लोग सब बैठे हुए हैं, पंखे चल रहे हैं, लाइट अच्छी से जली हुई है, उजाला है यहां पर लाइटों की वजह से, आराम से बैठे हुए, लेकिन कोई भी यहां पर नहीं कह सकता कि अभी इस क्षण मेरे जहन में मेरे चित्त में कोई चिंता नहीं चल रही है ना। सबसे पहली चिंता कल बहुत लंबा दिन है, ये तो आए हैं 2.5 महीने बाद, पता नहीं अभी कितना बोलेंगे, कल फास्टिंग भी है, तो वो अलग अलग प्रकार की चिंता। ये तो एक स्टैंडर्ड चिंता मैंने बता दी, व्यक्तिगत रूप से अलग अलग चिंता होगी कि क्या होगा, हो सकता है अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन की चिंता कोई लोग कर रहे होंगे बैठे बैठे यहां पर, कि किसको वोट देना है, क्या करना है, कौन आएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, मेरे वजह से कौन बनेगा। तो इसलिए हम सब के अंदर क्षमता है चिंता करने की, है कि नहीं? अब देखो जब हम चिंता की बात कर रहे हैं तो वो एक प्रकार का एब्जॉर्प्शन है। जब कोई किसी चिंता में होता है तो वो एक प्रकार की समाधि में चला जाता है, और उस चिंता के अलावा उसको और कुछ सूझता नहीं। जैसे एग्जाम की चिंता है ना, अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो ये पूरा जो हम लोग सब गुजर चुके हैं, अब जब हम दूसरों को देखते हैं एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो हम लोग ऑल द बेस्ट बोल देते हैं, क्योंकि हमारा तो हो गया भैया, अब तू भोग। जब हमारे दिन थे, जब हमारे दिन थे तो क्या माहौल था, हम भी उस प्रकार से चिंतित, बोर्ड का एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम में चिंता, और किस प्रकार की चिंता होती थी, ऐसी ऐसी चिंता होती थी। कई बार मुझे याद है कि हमारे कॉलोनी के ही और हमारे स्कूल का ही एक बंदा, वो केमिस्ट्री का पेपर, एक तो केमिस्ट्री वो भी बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर, वो एक घंटे से लेके बैठा कुछ लिख नहीं रहा है, तो गलती से उसे दूसरा पेपर आ गया था, उसको समझ में ही नहीं आया, वो इतने चिंता में था उसने देखा ही नहीं कि सब्जेक्ट क्या है,
मुझे भी याद है केमिस्ट्री का पेपर एक बोर्ड का, पसंद नहीं था मुझे वो सब्जेक्ट। अब उससे कुछ चलता थोड़ी है, अगर मैं बोलूँ मुझे सब्जेक्ट पसंद नहीं है तो कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, वो दिन तुमको पेपर है। तो केमिस्ट्री का पेपर बोर्ड का, और हमारे वो मेरे ख्याल से सब जगह पर रूल ऐसा है कि आपके ही स्कूल के आपके ही क्लास का विद्यार्थी आपके बगल में नहीं बैठेगा, दूसरे स्कूल का विद्यार्थी कोई बैठेगा। तो एक दूसरे स्कूल की विद्यार्थी बैठी हुई थी, तो बोर्ड का एग्जाम केमिस्ट्री का पेपर आया और चिंता में मैं, और ये वो दूसरे कौम की थी ये लड़की बुरका पहने हुए, तो उसे भी नहीं आ रहा था कुछ, तो उसने मुझे पूछना चाहा इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन मुझे पूछना चाहा। भाईजान कर रही है तो 7-8 बार भाईजान कर दिया। तो मैंने कहा देखो भाई, मैं नहीं जानता कि आप कौन है, पहले से टेंशन में हूँ, चिंता में हूँ, तुम ये भाईजान बोलकर और टेंशन बढ़ा रहे हो। तो उसे समझ में नहीं आया कि भाईजान की वजह से टेंशन क्या होगा। तो मैंने कहा या तो भाई बोल या जान बोल। तो चिंता वो एक प्रकार का क्या है, एब्जॉर्प्शन। और इसलिए चिंता के समय चिंतन वो सबसे ज्यादा जरूरी है उस समय। श्रील प्रभुपाद के शिष्य हुए ब्रह्मानंद प्रभु और पुष्ट कृष्ण महाराज, और सीनियर प्रभुपाद के डिसाइपल थे ये, तो ये दोनों 1971 में ये गए ईस्ट पाकिस्तान में प्रीचिंग करने, जो बांग्लादेश है उस समय वो ईस्ट पाकिस्तान। तो कल्पना करो ये लोग सैफ्रॉन में, दोनों सन्यासी और अमेरिकन, गोरे चिट्टे फिरंग शरीर, तिलक शिखा सैफ्रॉन, और ये लोग कहाँ, ईस्ट पाकिस्तान में प्रचार। और उस समय वो युद्ध छिड़ गया 71 का, सिक्योरिटी इतनी टाइट, और ये लोग बस में, और इन्हें पता नहीं तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी वाले मशीन गन लेकर बस हर एक बस को चेक कर रहे हैं बॉर्डर पर, और जो भी वो मुसलमान नहीं दिख रहा है उसको वहीं खत्म कर रहे हो। तो सोचो ये लोग बस में चढ़े और किसको देखते हैं, एक तो केवल हिंदू, दिखने में हिंदू नहीं, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक एकदम जो जिसको कहेंगे कि कट्टर हिंदू दिख रहे हैं, और उसके ऊपर से अमेरिकन। तो दोनों को नीचे उतारा, बस से नीचे उतारा, नीचे उतारकर ये वो मशीन गन का जो सेफ्टी लॉक है खोला, तान दी इनके सामने, पॉइंट ब्लैंक मारने वाले हैं। तो ब्रह्मानंद प्रभु ने पुष्ट कृष्ण महाराज को कहा, महाराज टेक आउट योर बीड बैग, वी आर गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो दोनों ने अपनी बीड बैग निकाली, ये लोग देख रहे हैं ये क्या निकाल रहे हैं, ये पाकिस्तानी सोल्जर देख रहे हैं ये क्या निकाल रहे हैं। तो दोनों ने अपनी बीड बैग निकाली, और जैसे कि
सेल्फी निकालने के लिए पोज देते हैं ना, वैसे हो, ऐसा पोज देते हुए चैंटिंग शुरू कर दिया उन्होंने अपना। कोई चिंता नहीं, हम लोग किस पर है, कोई चिंता नहीं। उस समय हम लोग यदि होते तो होता है ना, जीव वर खाली वर खाली, एकदा वर गेला मग खाली नाही येत, खाली गेला वर नाही जातो। तो उस चिंताग्रस्त स्थिति में उन्होंने बीडबैग निकाल कर क्या किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चिंतन। और ये पाकिस्तानी सोल्जर देखने लगे कि ये लोग हैं कौन, इनके चेहरे पर एक शिकन नहीं, डर की एक शिकन नहीं। तो इनका हाथ कांपने लगा, वो ट्रिगर दबा रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है। और फिर इन दोनों पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड्स को लगा कि ये लोग साधारण लोग नहीं दिखते, क्योंकि यदि ये किसी भी प्रकार के जासूस होते या घुसपैठिए होते तो ये छिप कर आते, ये खुलेआम सैफरॉन में पाकिस्तान में एंट्री कर रहे हैं। मतलब वो बोले एक दूसरे को, ये अल्लाह के बंदे लगते हैं, जाओ अंदर जाओ। और ये लोग आग बन करके वेट कर रहे थे कि गोली कब लगेगी, और ये पाकिस्तान सिक्योरिटी वालों ने इनको छोड़ दिया। तो फिर ब्रह्मानंद प्रभु ने पुष्ट कृष्ण महाराज को कहा, आई थिंक वी स्टिल हैव सम मोर टाइम टू गो बैक होम बैक टू रॉड एड, चलो राइट नाउ गो बैक इन टू द बस। तो देखो इस संसार में चिंता वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम घंटों इसके ऊपर, हमारे चैतन्य चरण प्रभु जो हाल ही में आए थे वो बता रहे थे कि उनके पिछले यूएस टूर में, अब हम सब जानते हैं कि उनको पोलियो हुआ है, तो वो उनका जो क्रच है उसको लेकर चलते हैं, सहारे से चलते हैं। तो वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के वो स्कैनर के थ्रू जा रहे थे, तो अचानक वो पूरे एयरपोर्ट में इमरजेंसी रेड अलर्ट का सायरन बजने लगा जैसे ही इन्होंने क्रॉस किया सिक्योरिटी स्कैनर को। और वहां पर पूरा उनका जो सिक्योरिटी टीम है बंदूक लेकर चैतन्य चरण प्रभु के ऊपर ताने हुए खड़े। इमेजिन करो अमेरिका में, वो घबरा गई कि ये सब क्या चल रहा है, मैंने क्या किया ऐसा। तो वो बोले कि तुम्हारा ये जो तुम्हारी क्रच है, तुम्हारा डंडी है, ये सब इसके अंदर एक्सप्लोजिव इसमें डिटेक्ट हुआ है, एक्सप्लोजिव्स। बोले इसके अंदर क्या एक्सप्लोजिव, बोला नहीं ये तोड़ना होगा हमको, तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। बोले इनको, इसको अगर तोड़ देंगे तो मैं चलूंगा कैसे, बोला वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तभी वो बोलने लगे कि जब भी वो ऐसी स्थिति में आते थे ना, वो भगवद गीता के श्लोक उस पर चिंतन करना शुरू कर देते। तो भगवद गीता के श्लोक बोलने लगे तो उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आया, तो उसने देखा कि ये व्यक्ति क्या एक्सप्लोजिव, मतलब दिखने में ये इतना साधु जैसा दिख रहा है, ये व्यक्ति एक तो अपाहिज भी है, ये क्या एक्सप्लोजिव लेके आया हो। तो उसने चैतन्य चरण प्रभु को पूछा कि ये जो तुम्हारा क्रच है इसको डिसमेंटल कर सकते हो, तब उनको याद है हाँ इसको कर सकते हैं। बोले ठीक है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप डिसमेंटल करके दिखाओ अंदर क्या है। तो सब उसको पूरे उनके उसको डिसमेंटल किया, उनकी छड़ी को डिसमेंटल करने के बाद मिट्टी निकली, वो उसके जो एंड्स थे उसके एंड्स में मिट्टी निकली। और वो किस कहाँ की मिट्टी थी, वृंदावन की, ब्रज रज थी वो। तो वृंदावन गए थे वो, और वृंदावन में वो ब्रज रज अंदर चली गई थी, तो वो ब्रज रज को एक्सप्लोजिव मान रहे थे एक प्रकार से है। हमारे अंदर के सारे जो आतंकी कैंप हैं उनको उड़ाने के लिए ब्रज रज बहुत एक्सप्लोजिव है। तो फिर जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो मिट्टी है खाली,
और फिर क्षमा मांगकर वो सब असेंबल कर कर वो उनको वापस दिया। तो रीजन क्या है? चिंता, हर जगह पर सबको चिंता है। परंतु हमें इस चिंताग्रस्त कलयुग में, यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आगमन के लिए हमें क्या करना है? चिंतन। तो इसलिए सारे भक्त एकत्रित होकर वो चिंतन करते थे। यहां पर ज्यादातर हम अगर चिंतन के विषय में सुनते हैं तो क्या, किस प्रकार का चिंतन होता? एक एकांत में कोई बैठा हुआ है और पलाखी मारकर और पद्मासन में जो भी, और उसमें वो किसी मेडिटेशन में लगा, लेकिन उस प्रकार का चिंतन नहीं बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? प्रभुर आविर्भाव पूर्वे यत वैष्णवगण अद्वैत आचार्य स्थाने करिन गमन, वहां जाकर वो लोग कीर्तन करते थे। परंतु ये जो सत्संग होता था अद्वैत भवन में, ये सत्संग वो शास्त्र आधारित सत्संग होता था। तो यदि यहां पर चिंतन की बात कही गई है तो वो चिंतन शास्त्र के आधार पर होना चाहिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, गीता भागवत कहे आचार्य गोसाई, ज्ञान कर्म निंदी करे भक्ति र बढ़ाए। कि अद्वैत आचार्य वो गीता भागवत के आधार पर श्रवण कीर्तन वहां पर कराया करते थे, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व। जैसे कि श्रील प्रभुपाद की एक शिष्या हुई, तो प्रभुपाद से मिलने से पहले वो खोजबीन कर रही थी कि अलग अलग प्रकार के ये मेडिटेशन, ध्यान, योग इत्यादि, क्या उससे कुछ आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है उनकी। तो उन्होंने कहीं पढ़ा कि उगते हुए सूरज के ऊपर अपना ध्यान लगाने से जो मन है वो बहुत शुद्धता को और एक अलग प्रकार के समाधि को प्राप्त होता है। तो वो एक पहाड़ी की चोटी पर गए ड्राइव कर, और उनको कुछ एक डेढ़ घंटा लगा, और वो भी सूर्योदय से पहले, ताकि सूर्योदय शुरू होने तक वो वहां पर पहुंच जाए और वहां वो व्यू से वो मेडिटेट करें। तो पूरी तैयारी के साथ वो गई, ऊपर पहुंची, टाइम उन्होंने निकाल रखा था कि सूर्योदय का टाइम क्या है, लेकिन उस समय, उस दिन पूरा आकाश जो है बादल से घिरा हुआ था। तो सूर्योदय तो हुआ लेकिन सूर्य दिख ही नहीं रहा है। तो वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, सूर्य दिख ही नहीं रहा है। तो पूरा फ्लॉप शो हो गया। नीचे आए, नीचे आए, और फिर उनके एक फ्रेंड ने उनको श्रील प्रभुपाद के प्रोग्राम में इन्वाइट किया, बोला यहां पर भी कुछ आध्यात्मिक हो रहा है, वो नहीं काम किया, यहां पर आ जाओ। वो जैसे ही प्रभुपाद के प्रोग्राम में आए, प्रभुपाद ने उस लेक्चर में कहा, कृष्णा इज लाइक दैट सन, कृष्ण सूर्य समान, सो द सन इज ऑलवेज शाइनिंग, बट वी कैन नॉट डिमांड द सन, समटाइम्स देर आर क्लाउड्स विच आर कवरिंग द सन, बिकॉज ऑफ विच यू कैनॉट see and get the full effect and mercy of the sun. तो ये example सबसे ज्यादा उस audience में यदि कोई relate कर पाया तो ये महिला, और ये आगे चल के प्रभुपाद के disciple बनी। और फिर इन्हें समझ में आया कि यदि चिंतन भी करना है, ध्यान भी करना है, meditation भी करना है, तो वो किसके आधार पर होना चाहिए? जैसे यहां पर अद्वैत आचार्य सिखा रहे थे कि शास्त्र के आधार पर। और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे कहते हैं कि जब इस प्रकार से ये चिंतन इस सत्संग में हुआ करता था, तान्र संगे आनंद करे वैष्णवे रगण, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। तो ये कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन,
ये सब इन सारे वैष्णवों को क्या दे रहा था? आनंद। इस संघ में उनको आनंद प्राप्त हो रहा था। तो जैसे कोई किसी भी संघ में जाता है आनंद प्राप्त करने के लिए, परंतु वो संघ क्या है उसको उस पर निर्धारित होगा कि वो आनंद का स्तर क्या है। जैसे हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में एक बार एक विद्यार्थी आया और वो विद्यार्थी वो हमारे साउथ बॉम्बे का ये जो मंदिर है चौपाटी का, उसके बगल में उसके पास उसी एरिया में मरीन लाइन्स एरिया में एक डिस्कोथेक में जाया करता था नाचने गाने के लिए। और वो डिस्कोथेक का नाम था आरजीज। तो किसी कारण के वजह से वो बंद था और उसी दिन हमारा प्रेरणा प्रोग्राम था। तो उसको किसी फ्रेंड ने बोला, भाई इधर आ, इधर भी गाना बजाना होता है इनका। और इसको भी क्या बोलते हैं? आरजीज। आरजीज मतलब राधा गोपीनाथ। तो ये आरजीज है और ये ऐसा आरजीज है यहां पर। उसने आके देखा कि ये कैसा पब है, ये कैसा डिस्को डांस है, खाली लुखे जो लड़के हैं वही कर रहे हैं, दूसरे जेंडर के तो है ही नहीं कोई यहां। और सब एक दूसरे को देखा, हरी बोल हरी बोल। और फिर बताया गया कि इसमें सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। और हमारे प्रीचर्स उसको कह रहे थे कि यहां पे नाचना भी फ्री, गाना भी फ्री, उसके बाद खाना भी फ्री, खाना भी मिलता है। तो फिर वो ये आरजीज की पार्टी को अटेंड किया और उसने जो उस समय आनंद प्राप्त किया, तो उसका रियलाइजेशन उसने लिखा फीडबैक फॉर्म में कि मैं इतनी बार वो वाले आरजीज में गया जहां पर सब कुछ आपको पैसा भरना पड़ता था, लेकिन मुझे ऐसा आनंद जो आज यहां पर मिला है वो भी फ्री में, ऐसा आनंद मुझे कहीं नहीं मिला। तो जब हम चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे सत्संग के स्मरण चिंतन कीर्तन कृष्ण कथा कृष्ण पूजा में हमें उस आनंद का अनुभव करना है। और फिर कविराज गोस्वामी फाइनली कहते हैं कि ऐसा चिंतन ऐसा सत्संग उसका फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो अद्वैताचार्य, विशेष रूप से अद्वैताचार्य जो कि इसको हेड कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे इस पूरे सत्संग को, तो अद्वैताचार्य के विषय में कविराज गोस्वामी कहते हैं, किंतु सर्वलोके देखी कृष्ण बहिर्मुख, विषय निमग्न लोक देखी पाय दुख। कि जब अद्वैताचार्य ने उस आनंद का अनुभव किया और उस आनंद के अनुभव में उन्होंने इस कलयुग में जो बद्ध जीव निमग्न है कृष्ण बहिर्मुख होने के वजह से, किसमें निमग्न है? इंद्रिय भोग में जो निमग्न है, विषय निमग्न लोक देखी पाया दुख। तो अद्वैताचार्य का जो हृदय है वो द्रवित हो गया, वो दुखने लगा, उनको वो हृदय दर्द होने लगा ये देखते हुए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब वो अमेरिका गए, अब जैसे कोई भारतीय साधारण सा जब ऐसे प्रगत देश में जाता है तो उसकी चकाचौंध देखकर वो प्रभावित हो जाता, अरे वाह। प्रभुपाद देखकर वो उन पर तरस खा रहे थे, प्रभुपाद उनसे प्रभावित नहीं हुए, प्रभुपाद उन पर तरस खा रहे थे। प्रभुपाद ने तो बस की लाइन में लोगों को खड़े हुए देखा, आंखों में से आंसू आने लगे। अब हमने कितनी बार लोगों को बस की लाइन में खड़े हुए देखा, कभी आंखों से आंसू आते हैं? तो जब डिवोटीज ने पूछा तो प्रभुपाद बोलने लगे कि ये लोग सब भगवान श्री कृष्ण के पार्षद थे कभी, तो अभी इस छोटे से जिसको कहते हैं कि कण मात्र के क्षणिक सुख के लिए इतना अथक प्रयास कर रहे हैं लोग,
इतना अथक प्रयास कर रहे हैं। उसे सोचते हुए प्रभुपाद का अंदर की जो करुणा है वो बाहर आए। तो इसलिए जब हम चिंतन की बात कर रहे हैं तो जब तक ये जो सारे मुद्दे हैं चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व जब हम चिंतन में लगे हुए हैं उनको या अपनी चेतना को तैयार कर रहे हैं जो कि चिंताग्रस्त है, इस चित्त को भगवान के चिंतन में लगाने के लिए ये सारे लक्षण कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं महाप्रभु के अवतरण के पहले। इसलिए जो हमें तीन इंस्ट्रक्शंस यदि हम चैतन्य महाप्रभु के अवतार से प्राप्त करते हैं उनकी लीलाओं से गौर लीला से, तो ये तीन इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए विशेष रूप से आज की हमारी कलयुग की परिस्थिति जो कि जिसे हम 21वीं सदी को भी कहें, तो ये तीन चीजें हैं। क्या करना है हमें, जो चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के द्वारा भी सिखाए हमें, सोशली एक्टिव, पॉलिटिकली अलर्ट, स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब्ड। अब देखिए यदि हम गौर लीला पर गौर करें तो चैतन्य महाप्रभु वो ये तीनों उन्होंने अपने उदाहरण से दिखाया। ही वॉज सोशली एक्टिव, पॉलिटिकली अलर्ट एंड स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब्ड, और उन्होंने अपने पार्षदों को भी ये तीन चीजें सिखाई जो कि हमें उनका अनुयायी बनते हुए ये तीन चीजें सीखनी है। जैसे कि अगर हम पहले ले सोशली एक्टिव, तो चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का टाइटल प्राप्त करने से पहले उनको टाइटल मिला था निमाई पंडित। उनके बचपन में वो एक पंडित, और किसके पंडित, न्याय के, व्याकरण के पंडित। क्यों? क्योंकि उस समय उस सोसाइटी में यदि किसी का मान सम्मान होता था तो किसका होता था, जो न्यायशास्त्री हैं, जो संस्कृत के विद्वान पंडित हैं उनका सम्मान होता था। इसलिए पहले वो निमाय पंडित के रूप में वो न्यायशास्त्री बने, और ऐसे न्यायशास्त्री बने उनके गुरु गंगादास पंडित, जो कि चैतन्य महाप्रभु को ये सब न्यायशास्त्र सिखा रहे थे। तो छोटे से निमाय पंडित जो कि उनके शिष्य हैं, एक विद्यार्थी हैं उनके पाठशाला के, जब वो सिखाना शुरू किए तो अपने गुरु गंगादास पंडित से भी ज्यादा शिष्य उनके बने ऐसे पंडित। क्यों? ताकि एक सोशल रिकग्निशन उनको प्राप्त हो जाए कि उनके आगे चलकर उनको सिखाना क्या है, हाउ टू बी स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब। लेकिन उन्होंने डायरेक्टली जो उनका राधा रानी का महाभाव था वो प्रदर्शित नहीं किया डायरेक्टली, इसलिए वो सोशली एक्टिव थे। वो जो दौर था, वो जो माहौल था, उस माहौल में कैसे वो अपने आप को ब्लेंड किए और फिर उन्होंने उसको खत्म कर फिर चैतन्य महाप्रभु का टाइटल लिया। अब यदि दूसरा ले हम पॉलिटिकली अलर्ट, तो चैतन्य महाप्रभु उन्होंने तीन जगहों पर अपना प्रचार, हालांकि पूरे भारत में उन्होंने प्रचार किया, परंतु तीन जगह विशेष रूप से उनकी लीलाओं का वर्णन है, बंगाल, उड़ीसा और वृंदावन। और आप देखो कि कैसे चैतन्य महाप्रभु पॉलिटिकली अलर्ट थे। कई बार हमको ये बताया जाता है कि अरे कृष्ण भक्ति सब कुछ है, ये पॉलिटिक्स राजनीति जो कुछ चल रही है भारत में, हम कृष्ण भक्त होने के नाते हमको इनसे कोई लेना देना नहीं, वी शुड नॉट बी पॉलिटिकली एब्जॉर्ब्ड बट वी शुड बी पॉलिटिकली अलर्ट। देखो महाप्रभु ने रूप सनातन गोस्वामी को
मंदिर बनाने के लिए कहा, कहां? बंगाल में नहीं, उड़ीसा में नहीं, वृंदावन में। क्यों? क्योंकि बंगाल में नवाब हुसैन शाह का राज था और पब्लिकली वहां पर मंदिर बनाने की वजह से बहुत कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती थी भक्तों के लिए और गोस्वामियों के लिए भी, रूप सनातन गोस्वामियों के लिए। इसलिए, और वृंदावन जो है वो दिल्ली के करीब है, हस्तिनापुर। तो महाप्रभु ने इनको वृंदावन में भेजा ताकि, क्योंकि ये पॉलिटिकली बहुत एस्ट्यूट थे दोनों, रूप सनातन गोस्वामी, तो ये अपना जो पॉलिटिकल एक्यूमन है इनका, जो इनकी विशेषता है, वो उसको यूज करेंगे वृंदावन में, जो वहां के राजा दिल्ली के, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसलिए उनको भेजा वृंदावन में जाकर मंदिर एक्सकवेट करने के लिए, बनाने के लिए, बंगाल में नहीं। और ओडिशा में जगन्नाथ का मंदिर तो था ही, और राजा प्रताप रुद्र थे तो ओपनली वहां पर हरिनाम संकीर्तन किया, क्योंकि वहां पर कोई बंदिश नहीं थी। तो आप देखते हो, अब नवाब हुसैन शाह वो इस प्रकार का क्रूर व्यक्ति था, वो क्रूर भी था और उसके साथ साथ वो बहुत बुद्धिमान भी था। उस कौम में ज्यादातर बुद्धिमान लोग कम दिखते हैं, लेकिन उस समय ये नवाब हुसैन शाह बहुत बुद्धिमान था। इसलिए उसने देखा कि ये रूप सनातन जो हैं, सारे हिंदू इनको रिस्पेक्ट करते हैं, रूप सनातन गोस्वामी को सारे हिंदू रिस्पेक्ट करते थे, तो ये रूप सनातन को यदि मैं मार डालूंगा, यदि इनकी हत्या कर दूंगा, तो ये सारे हिंदू मेरे विरोध में चले जाएंगे और मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो मैं यदि रूप सनातन को कन्वर्ट कर दूं तो ये सारे हिंदू जो हैं वो अपने आप वो कन्वर्ट हो जाएंगे। और रूप सनातन गोस्वामी वो कन्वर्ट हुए ताकि हिंदुओं को वो बचाए रखे, बाकी वैष्णवों को बचाए रखे। इसलिए तो एक घटना ये नवाब हुसैन शाह के विषय में बताई गई है कि ये किस प्रकार का व्यक्ति था। तो इस नवाब हुसैन शाह ने अपना एक महल बनवाया, और जिस कारीगर ने ये महल बनाया था, इसके उद्घाटन पर जब नवाब हुसैन शाह ने अपने सारे गेस्ट अतिथियों को बुलाया, इसके उद्घाटन पर, इस महल के उद्घाटन पर, इतने सुंदर आलिशान महल के उद्घाटन पर, तो ये कारीगर को सब पूछ रहे थे कि इतना सुंदर महल तुमने बनाया। तो इस कारीगर ने इस महल के विषय में और अपनी कारीगरी के विषय में बताते हुए कह दिया कि अरे ये तो कुछ नहीं, मैं तो इससे भी अच्छा बना सकता। नवाब हुसैन शाह ने जब ये सुना, मतलब तूने सबसे अच्छा मेरे लिए नहीं बनाया, उसने तलवार निकाली, उसी जगह उसी समय उस कारीगर का सर धड़ से अलग कर दिया। ये था नवाब हुसैन शाह। तो आज हम एक ऐसी गौर लीला लेंगे, क्योंकि थोड़ा भारत का भी माहौल वैसा है कि घुस के हमला किया, तो महाप्रभु ने भी घुस के पहला जो आंदोलन निकाला, पहली स्ट्राइक जो की उन्होंने, जिसको कहते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सबसे पहला चांद काजी के घर पर, उसके घर पर घुसकर, उसे घुटनों पर टिकाकर, उसको भगवान का नाम बुलवाया। चैतन्य महाप्रभु पॉलिटिकली अलर्ट थे और उसके अनुसार उन्होंने, ऐसा नहीं कि यदि उस समय ये नवाब हुसैन शाह या चांद गाजी इन सब की हुकूमत थी
तो चैतन्य महाप्रभु उसके वजह से दब गए या कायर बन गए। बहुत से ऐसे स्मार्ट हिंदू समय वो कायर बने हुए दबे हुए थे इनके हुकूमत में, परंतु महाप्रभु ने ऐसा नहीं। तो जैसे कि जो इसका नाम है चांद काजी, ये चांद काजी ये भी नवाब हुसैन शाह के तरह क्रूर नवदीप में ये जहां पर भी वैष्णव का कीर्तन सुनता ये अपने लोगों को भेजकर वो सारे मृदंग तोड़वा देता, और यदि कोई हिम्मत करता उसके पश्चात पब्लिकली कीर्तन करना, यहां तक कि अपने घरों में कोई कीर्तन नहीं कर सकता, अपने घरों में भी कोई मंदिर नहीं बना सकता, ऐसी क्रूरता ऐसी दहशत इस चांद काजी ने फैला रखी थी। और जब चैतन्य महाप्रभु को यह समाचार मिला कि मेरे वैष्णवों के कीर्तन में इस चांद काजी ने बाधा डाली है, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों के द्वारा यह समाचार ये ऐलान किया, ये संदेश भिजवाया कि सारे वैष्णव नवद्वीप के और सारे हिंदू जितने, हम सब मिलकर सिमोलिया जहां पर ये चांद काजी का मुख्यालय उसका बंगला था उसका घर था वहां पर हम चढ़ाई करेंगे। किसके द्वारा? हरिनाम के द्वारा, हरिनाम शस्त्र के द्वारा इसके ऊपर चढ़ाई करेंगे। तो जैसे ही अब तक वो चैतन्य महाप्रभु का कौन सा रूप देख रहे थे ये लोग? चैतन्य महाप्रभु का वो सौम्य वपु जहां पर वो भगवान का कीर्तन करते हुए और एकदम निमग्न भगवान के चिंतन में अपने भावों को प्रदर्शित करते, परंतु ये रूप तो आदेश दिया। और क्या था कि उस समय चांद काजी ने ये ऐलान कर दिया था कि कोई भी यदि ये कीर्तन करेगा, ये हरिनाम संकीर्तन करेगा, उसे नवदीप छोड़ना होगा। तो अब कल्पना कीजिए, ये सारे जो गृहस्थ वैष्णव, इन सब ने ठान लिया था कि हम हरिनाम तो नहीं छोड़ सकते, हां नवदीप छोड़ देंगे हम। अभी किसी गृहस्थ के लिए अपना बसा बसाया घर छोड़ना ये कोई छोटी बात नहीं है, इतना प्रेम उनका हरिनाम के प्रति। परंतु महाप्रभु बोले किसे भी घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, इस चांद काजी को हम सबक सिखाएंगे। तो महाप्रभु ने कह दिया कि हर एक परिवार अपने घर से मशाल जलती हुई लेकर आएंगे। तो सब अब उस पूरे जुनून के साथ जलती हुई मशाल और हरिनाम संकीर्तन पब्लिकली होगा, और वो भी चांद काजी के घर पर चढ़ाई करने वाले हैं हम। तो सब इतने उत्साह से पूरी तैयारी कर रहे हैं और हर एक घर से एक एक मशाल, और जितने सदस्य परिवार के आ सके उतने आओ। और महाप्रभु ने कहा मैं और नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य हम सब इस नगर संकीर्तन को हम लीड करेंगे। तो पूरे जोश में सभी लोग तैयार हुए, और दिन के समय महाप्रभु ने कहा कि पहले हम हरिनाम संकीर्तन नवदीप में करेंगे पूरे दिन भर, और शाम के समय हमारी मशालें जलाकर हम जाएंगे उस चांद काजी के घर सिमोलिया। क्यों क्यों महाप्रभु ने ऐसा कहा कि पहले हमें अपने आप को नरिश करना है हरिनाम से, अपने आप को सशक्त बनाना है इस हरिनाम से, और जब पूर्ण रूप से हरिनाम की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी तब उस कृपा से और हरिनाम के ऐसे शस्त्र को लेकर हम आगे चलेंगे। तो सब लोग इतने उत्साह से बाहर निकले और पूरे दिन भर हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, और महाप्रभु पहले हरेक जो भी हिंदू वहां पर उनके घर के
सामने से गुजरते हुए, और जो पहली दफा जो कभी महाप्रभु को इस रूप में नहीं देखे, अब देखिए इतने सुंदर एक तो वो, और 7 फुट उनकी हाइट, गौर वर्ण, और जैसे ही हर एक हिंदू घर के सामने महाप्रभु, एक एक तरफ एक टोली अद्वैताचार्य की, एक टोली नित्यानंद प्रभु की, गदाधर जैसे पंचतत्व हम देखते हैं, तो ये सारी टोलियों के साथ महाप्रभु इनके बीच में नृत्य करते हुए, जब अपने दोनों हाथ ऊपर करते थे हरिनाम संकीर्तन लेते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, तो कई जो महाप्रभु को डांस करते हुए नहीं देखे थे, नृत्य करते हुए नहीं देखे थे, उन्होंने जब महाप्रभु के दोनों हाथ ऊपर जाते हुए देखे, तो वो उनका उद्गार ये था, उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि एक कोई पर्वत है जिसके दो सुनहरे शिखर ऊपर जा रहे हैं। ज्यादातर हम ये देखते हैं कि पर्वत का एक ही शिखर होता है, तो एक नवदीप वासी ने कहा कि ये कैसा पर्वत है, वो भी सुनहरा, गोल्डन माउंटेन हैविंग टू पीक्स, और ये ऐसे दो शिखर जो कि बादलों के अंदर बादलों को चीरते हुए जा रहे हैं। और महाप्रभु जब उस महाभाव में कीर्तन कर रहे थे तो उनके आंखों से जो अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, जैसे मानो गंगा बह रही है गंगोत्री से या गोमुख से। तो एक नवदीप वासी ने जब यह देखा तो उसने कहा कि अरे अब तक तो हमने सुना था कि गंगा को विष्णुपादी कहा गया है, कि विष्णु के चरणों से निकली हुई है, परंतु ये कौन सी गंगा है जो कि ऐसे विष्णु के आंखों से बाहर आ रही है। यह उनका उद्गार था। और कई बार महाप्रभु जब भाव विभोर अवस्था में छलांग लगाते तो जैसी वो छलांग लगाते उसके साथ जो वॉल्यूम था कीर्तन का वो ऊपर उठता, और शची माता को अलाउ नहीं था इस कीर्तन में आना, क्योंकि शची माता वो सहन नहीं कर पाती थी, महाप्रभु इतना ऊपर छलांग लगा रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं। परंतु जैसे ही सब लोग चिल्लाते हरिनाम संकीर्तन में, तो शची माता अपने घर में बैठी हुई, उन्हें समझ में आ जाता था कि महाप्रभु वो अभी छलांग लगाए, तो वो प्रार्थना करती थी कि मैंने जितने भी पुण्य किए हों, मेरे सारे आध्यात्मिक पुण्यों को इकट्ठा कर ये जब नीचे गिरे तो इसे कोई चोट ना पहुंचे। ये शची माता की प्रार्थना। और ऐसा माहौल, वो जो कीर्तन का जो जोश, हल द जोश, जो जोश था वो जोश ऐसा था कि सारे नवदीप वासी, वो उन्हें कोई भान नहीं कि वो कहां है। अभी हमारा तो जोश पूरा थोड़ा कम है, उस समय उनका जोश तो पूरा 5th gear 6th gear टॉप गियर पर था। वो आप लोग थोड़ी चिंता में लग रहे हैं। तो हुआ क्या कि नवदीप के चोर, वो नवदीप के जो चोर, उन्होंने देखा कि ये अच्छा मौका है चोरी करने का, क्योंकि ये सब कोई दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं, किसी को एक दूसरे का कोई भान नहीं, सभी लोग एक प्रकार के समाधस्थ अवस्था में हैं। तो चोर आए चोरी करने के लिए, और जब वो मेन कीर्तन चल रहा है वहां पर घुसे कुछ चोरी करने के लिए, तो वो जो जोश था और वो जो इफेक्ट था उस कीर्तन मंडली का, और महाप्रभु की कीर्तन मंडली सोचो, और सबसे बड़े चोर वो ही, तो ये चोर अपना चोरी भूल के ये दोनों हाथ ऊपर कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम, वो जोर जोर से कीर्तन करने लगे, भूल गए कि वो क्यों आए थे, वो उनका खुद का जो प्रोफेशन था चोरी करने का उसको भूल गए, और वो
लूट का माल बन गए, जिसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा ने लूट लिया। अचानक वृंदावन दास ठाकुर इसका वर्णन करते हैं, अचानक जो क्राउड था, पूरे नवद्वीप वासियों का जो क्राउड था, जो इस कीर्तन में भाग ले रहे थे, 5 गुना 10 गुना ज्यादा क्राउड बढ़ गया। तो अब लोग सोचने लगे कि आबादी तो हमारी सीमित है नवद्वीप की, इतने लोग और कहां से आए। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ये इतने सारे लोग कहां से, इतनी भीड़ कहां से इकट्ठा हुई। तो सारे देवता, स्वर्ग के सारे स्वर्ग लोगों के सारे देवता, उनके लीडर और उनके सारे पार्षद अनुयायी, वो सब देखे कि असली पार्टी तो यहां नीचे चल रही है नवद्वीप में। तो सारे अप्सराओं को बोला, कपड़े पहनो ठीक से, सोमरस बंद किया और वो लोग सब भाग लिए ये नवद्वीप के कीर्तन में। तो ये जब वहां पर अब ट्राई कर रहे हैं कीर्तन में ब्लेंड होने का, मजा लेने का, मजा ही नहीं आ रहा था उनको। बोले मजा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एज अ डेमिगॉड आए थे, पूरा सुसज्जित। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि उन्होंने जब देखा कि अरे हम लोग इतने सुंदर दिखने वाले स्वर्ग के निवासी, परंतु हमको इसमें मजा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं मजा आ रहा है, क्योंकि हम ये नवद्वीप वासियों की तरह रूप नहीं लिया है हमने, वो तो एकदम सादे सुदे से थे। तो ये सारे देवतागण उन्होंने अपना रूप बदला और वो बाबू मोशाय बन गए, सब बंगाली बन गए, साधारण से बंगाली बन गए। और जैसे ही उन्होंने साधारण सा एक नवद्वीप वासी एक बंगाली का रूप लिया, ओ फिर तो, और महाप्रभु ये दिखाना चाहते थे, तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना, तब जाकर कीर्तनीय सदा हरि हो। तो ये सब मिलकर इस प्रकार का कीर्तन चल रहा है। और फिर मशाले जली, शाम का समय मशाले जली, और फिर निकले चांद काजी के घर की ओर। अब ये पूरी पलटन निकली चांद काजी के घर की ओर, और जैसे ही इसकी आवाज, इस गूंज, ये सिंहनाद, जिसका चैतन्य सिंहनाद, हरिनाम का ये जो नाद, इसकी आवाज दूर दूर से जब सुन रहे थे, तो चांद काजी के वो सारे मुसलमान अनुयायी वो चांद काजी को कहने लगे कि ये कैसी आवाज है, ये हमारे आजान की आवाज तो नहीं है, ये किसकी आवाज है, जाकर देख कर आओ। तो वो छत पर जाकर देखे, तो देखे कि अरे ये लोग सब मशाले लेकर आ रहे, और सामने ये इनके जो लीडर हैं निमाय पंडित। तो एक ने कहा शायद हो सकता है निमाय पंडित की शादी हो रही है आज, शादी का सीजन तो नहीं चल रहा है, निमाय पंडित की शादी, और शादी हो रही है। चांद काजी ने पूछा शादी अगर हो रही तो इधर क्यों आ रहे, इस तरफ क्यों आ रहे। तो फिर दूसरे को भेजा, तू जाकर देख कर आ छत पर, माजरा क्या है। तो लोग और निकट आ रहे थे, तो फिर ये जो दूसरा गया सैनिक, ये जाकर कहता है फिर चांद काजी को कि सरकार जो मैं सुन रहा हूं वो आप सुनना नहीं चाहेंगे क्या, बता बता क्या। क्योंकि उस समय ऐसा था कि अगर कोई बुरी खबर लेकर जाता है बादशाह के पास, तो पहले उसको खत्म करता है वो बादशाह, तू मनहूस बुरी खबर लेकर आया, तू बता, वैसे ही तू मरने वाला है, तो नहीं बताएगा तू भी मरेगा। तो उसने कहा कि वो नारे लगा रहे हैं, और नारे क्या लगा रहे हैं, काजी मुर्दाबाद, काजी मुर्दाबाद, काजी की हत्या करें आज। काजी ने जब ये सुना तो चिंता में पड़ गया, और फिर काजी ने तुरंत अपने एक गुट को भेजा,
कुछ सैनिकों को भेजा, जाके बंद करो, रोको उन सबको। तो पहले ये सारे जब जाते थे, ये मुसलमान सैनिक जब जाते थे, तो सारे हिंदू डर के वो छुप जाते थे, ऐसा रुबाब, ऐसी दहशत इनकी थी। लेकिन इस समय ये घुसे, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, सब चिल्लाते हुए काजी मुर्दाबाद, हरे कृष्णा, बीच में काजी मुर्दाबाद, किल द काजी, हरे कृष्णा, किल द काजी। तो ये सारे देखने लगे कि किसी को कोई, सब अलग ही दुनिया में हैं ये लोग, सब हमसे कोई डर नहीं इनको। तो ये डरने लगे और फिर ये सोचने लगे कि ये लोग जो चिल्ला रहे हैं कि काजी मुर्दाबाद, काजी को मारो पीटो, ये हमें, हमारी ये मुल्ला की दाढ़ी देखेंगे तो हमें तो सबसे पहले मारेंगे। तो उन्होंने अपने पगड़ियों को, कपड़ा निकाला और ढकने लगे, अपनी दाढ़ियों को ढकने लगे और फिर कहे कि खाली दाढ़ी ढकने से नहीं होगा, तो ये भी हरि बोल हरे कृष्णा करने लगे साथ में। तो काजी वो देख रहे हैं कि मैंने एक ग्रुप को भेजा था, यद गत्वा ननिवर्तन्ते, वो वापस ही नहीं आ रहे हैं, वो लोग वहां पर कीर्तन में वो भी मशगूल हो गए। फिर दूसरे ग्रुप को भेजा, वो भी नहीं आए। और धीरे धीरे ये सब चिल्लाते हुए, तो जैसे ही एकदम निकट पहुंचे, अब ये काजी के घर के एकदम निकट पहुंचे, तो काजी ने कहा सब बंद करो, दरवाजे ताले लगाओ, और अंदर जाकर काजी छुप गया। और काजी ने देखा कि बाकी सारे दरवाजा बंद होने से पहले, क्योंकि वो लोग तो सब काजी को मारने घर पर आ रहे थे, तो बाकी सब वो निकल पड़े, भाग गए, बोले भैया आज तो खैर नहीं हमारी, काजी तो मरने वाला, हम क्यों मारे। तो लोग सब निकल पड़े, एक हाथ बचे हुए थे, और जोर जोर से सारे वो मार रहे हैं दरवाजे के ऊपर, दरवाजा खोल काजी, आज तेरी खैर नहीं। चैतन्य महाप्रभु चिल्लाने लगे, काजी तू बाहर निकल, तूने वैष्णव के हरिनाम संकीर्तन में बाधा डाला, मृदंग फोड़ा तूने, आज तेरी खैर नहीं। तो काजी थर थर कांपने लगा, उसने अपने एक हाथ जो बचे हुए अंदर थे उसके घर में सैनिक, उसको कहा कि जाके दरवाजा खोल, नहीं तो यदि दरवाजा नहीं खोलेंगे तो उनका आक्रोश बढ़ता जाएगा, दरवाजा तो वैसे ही तोड़ देंगे ये, तो कम से कम दरवाजा खोल देंगे तो गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा, खोल। तो एक दूसरे को कहता है तू जाके खोल, दूसरे कहता है तू जाके खोल, दोनों काजी को कहते हैं आप क्यों नहीं खोलते, बोले मैं काजी हूं, मैं तुम्हारा बादशाह, जाओ आदेश दे रहा हूं। तो लोग जाके दरवाजा खोल के दरवाजे के पीछे छुप गए। जैसे ही दरवाजा खुला तो सभी देख रहे खोला किसने दरवाजा, काजी कहां है। तो थर थर कांपता हुआ काजी बाहर आता है, और महाप्रभु ने जब काजी को देखा, पहले जब भी वो हरिनाम संकीर्तन को सुनता तो वो गुस्से में आ जाता था, अब वो डर के मारे बाहर आ रहा है। तो महाप्रभु ने कहा कि भाई तुम मेहमान की ऐसी मेहमानबाजी करते हो, ऐसी मेहमान नवाजी होती तुम्हारी, एक मेहमान तुम्हारे घर पर आया है तो ये अतिथि सत्कार। तो काजी महाप्रभु की ओर देख रहा है, फिर वो कहता है कि लेकिन मेहमान ऐसे नहीं आते मशाले लेकर और ऐसे नारे लगाते हुए, आप एक साधारण मेहमान की तरह नहीं आए हो। तो फिर महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि बताओ, पहले जब हम लोग सब कीर्तन किया करते थे, हमारे वैष्णवों को तुमने गुस्से में ये सब कुछ किया, आज तुम गुस्सा क्यों नहीं कर रहे। तो चांद काजी महाप्रभु से कहता है प्राइवेट में बात करें, कुछ बताना है आपको, प्राइवेट में चलें। तो महाप्रभु ने कहा अरे मेरे पार्षद, अब वो और उत्सुक हो गए सारे पार्षद, प्राइवेट में क्या बोलना चाहता है, कुछ तो हुआ होगा। तो महाप्रभु ने कुछ लोगों को ही रखा और बाकियों को बाहर जाने के लिए कहा। तो बाहर सब और उत्साह में उत्सुक हुए कि क्या अंदर चल रहा है, क्या मीटिंग चल रही है। तब फिर काजी, उसने जो कुछ उसके वो पहना हुआ था राजसी, उसका वेशभूषा जो पहनी हुई थी, पोशाक पहनी हुई थी, वो सारी पोशाक निकाली और उसने अपनी छाती दिखाई कि कल रात सपने में मेरे छाती पर एक अजीब प्राणी आकर बैठा और उसने ये खरोंच कर दी। कौन सा प्राणी था ये?
ये नरसिंह वो तो नहीं जानता था, बोला ये आदमी भी दिख रहा था और ये सिंह भी दिख रहा था और ये मेरी छाती पर छलांग लगाकर बैठा और मुझे बोला कि तूने मेरे भक्तों को तकलीफ दी और नाखून गड़ा दिए, और जैसी नाखून गड़ाए खून निकलने लगा तो मुझे याद आया कि ये कीर्तन में आप लोग जो कृष्ण हरि तो मैं कृष्ण हरि चिल्लाने लगा, तो जैसे उसने कृष्ण हरि का नाम सुना तो छोड़ा, परंतु मुझे धमकी देकर वो प्राणी गया, अगली बार तूने भगवान का नाम लिया है इसलिए छोड़ रहे हैं, अगली बार यदि शिकायत आई तो ये तेरी छाती नहीं बचेगी। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना तो चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए और फिर चांदकाजी ने कहा कि आज के बाद मैं कभी इस प्रकार की जरूरत नहीं करूंगा। तो ये था ओरिजिनल घर में घुसकर हमला। चैतन्य महाप्रभु ऐसे दहशतगर्दों के घर में घुसकर उन्होंने किस प्रकार का हमला किया, उसके हृदय का परिवर्तन किया। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर उन्होंने गौरांग अष्टोत्तरशत नाम उसमें ये एक सुंदर पद लिखा है जिसको हम गाकर हमारे आज का ये प्रवचन संपन्न करेंगे, जिसमें वो ये जो लीला महाप्रभु ने करी चांदकाजी का उद्धार और भक्तों का रक्षण, इसका गुणगान करते हुए भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं। नगर कीर्तन सिंह काजी उद्धारण, शुद्ध नाम प्रचारक भक्तार्ति हरण, नगर कीर्तन सिंह काजी उद्धारण, शुद्ध नाम प्रचारक भक्तार्ति हरण, नगर कीर्तन सिंह काजी उद्धारण, शुद्ध नाम प्रचारक भक्तार्ति हरण। तो भक्त अर्ति अर्थात भक्त के आर्त स्थिति को ठीक करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए और शुद्ध नाम का प्रचार करने के लिए काजी का उद्धार, काजी जैसे व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु वो उस सिंह के रूप में नगर कीर्तन सिंह, यहां पर नगर कीर्तन को सिंह की उपमा दी गई है, उनका एक और नाम है चैतन्य सिंह। तो जैसे कि एक सिंह जब वो दहाड़ लगाता है जंगल में, जब एक सिंह दहाड़ लगाता है तो उसकी दहाड़ से जितने छोटे मोटे जो प्राणी होते हैं वो सारे प्राणी सांप इत्यादि चूहे इत्यादि वो सारे अपने बिल में जाकर छुप जाते हैं, और वो दहाड़ जो होती है वो उस शेर कि उस जो जंगल का जो राजा है वो उसकी प्रस्थापित करती है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में अवतरित हुए हैं नमो महावदन्याय रूप में अपनी परम कृपा देने के लिए, परंतु वो परम कृपा बहुत व्यक्तिगत रूप से उन्होंने अलग अलग तरीकों से दी। जैसे कि हमने देखा चांदकाजी को इस ऐसे सिंहनाद नगर संकीर्तन के द्वारा उसे ठीक किया, वही रूप सनातन गोस्वामी और अन्य जितने चैतन्य महाप्रभु के कृपा के पात्र बने उनको महाप्रभु की कृपा बहुत व्यक्तिगत रूप से मिली। तो हम सब जो इस कलयुग में
जूझ रहे हैं हमारे अनर्थों के साथ, इस कलयुग की परिस्थिति के साथ, और जैसे कलयुग अग्रसर हो रहा है, जो कलयुग के दुर्गुण हैं वो उसके प्रगति के पथ पर है और अध्यात्म दुर्गति के पथ पर है, तो ऐसी स्थिति में जो महाप्रभु के पार्षदों ने किया महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए, जो हमने सुना कि अद्वैत भवन में आकर वो लोग भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन, श्री कृष्ण की कथा, श्री कृष्ण की पूजा और श्री कृष्ण का चिंतन, और इसके द्वारा उन्होंने अपने आप को योग्य बनाया महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो आइए, कल श्रीमान गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, तो हम सब इसी चेतना में, इसी चिंतन में हम महाप्रभु के इस आविर्भाव दिवस को मनाएं। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। इस ग्रह शिक्षा अष्टकम